एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कोरोना काल में कैसे इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एनजीओस के बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आए हैं, जिसमें ये निकल कर आई है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित एजुकेशन, शिक्षा यही रही है। तो एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे और किस तरह से ये प्रभावित हुआ है, ये आज हम लोग एनालाइज करेंगे। क्योंकि एजुकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट मुद्दा है किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी देश में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उससे फ्यूचर जनरेशन, जो आगे की पीढ़ियां हैं, वो तैयार होती हैं। तो यहाँ पर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो लगभग 1.5 साल के लिए बंद रही है कोरोना काल में अभी तक। और जैसे ही ओमिक्रॉन की लहर आई, वैसे ही सबसे पहले फिर टारगेट क्या हुआ, स्कूल टारगेट हुआ। सबसे पहले ओमिक्रॉन के समय स्कूल को ही बंद कर लिया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम लिमिट के हिसाब से बंद किया गया, अलग अलग तरीके से बंद किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो आम जनता है, उनमें जो बिहेवियर है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। बिहेवियरल चेंजेस जो आम जनता में चाहिए, जो उनके आचरण में बदलाव चाहिए, कि वो हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, मास्क पहने, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। भीड़ भाड़ वाली जगहों को ज़्यादा रेगुलेट नहीं किया गया, वीकेंड लॉकडाउन लगा देते हैं, लेकिन बाकी के दिनों में तो वही चीज़ रहती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि स्कूलों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ये क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि स्कूल एक बहुत ईजी और सॉफ्ट टारगेट होता है, और इससे जो इकोनॉमी है देश की या किसी भी स्टेट की, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पर उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित होती है, स्टेट्स के इनकम प्रभावित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि स्टेट्स ये सारी चीज़ें, जिससे कि इकोनॉमी प्रभावित हो, उन सारी चीज़ों को बंद करना नहीं चाहती है। लेकिन आप स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप स्कूल्स को ही सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सरकार आपके बारे में ख्याल करती है, आपके लिए चिंतित है, और कोरोना का थोड़ा सा केसेस बढ़ा नहीं कि सीधे सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सरकार केयरिंग है, सेंसिटिव है, वो आपके बारे में सोचती है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कभी भी ये चीज़ें लगाम नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये दिखाना होता है गवर्नमेंट को कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रभावित ना हो उनकी। और यहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है ज़्यादा ना। तो ऐसी परिस्थिति हो रही है कि लोग जहाँ पर भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर कोई कंट्रोल किया जा रहा है, मास्क की तो खैर सिचुएशन ही ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे अगर अब हम बात करें कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्कूल को सबसे आखिरी में बंद करना चाहिए। स्कूल्स जो हैं उन्हें सबसे आखिरी में बंद करना चाहिए, स्कूल्स को सबसे पहले बंद करने की लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर जनरेशन के फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके लिए ये घातक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, क्योंकि लर्निंग डेफिसिट होगी। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनमें पढ़ाई का स्तर कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कभी भी जो फिजिकल क्लासेस हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर टू वे इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इंडिया जो है, यहाँ पे स्कूल को बंद करने का जो समय है, जो टाइम लिमिट है, जितने दिनों के लिए बंद किया गया, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए
स्कूल्स को बंद करके रखा गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट स्कूल बनते हैं, जब न तब स्कूलों को ही बंद कर दिया जाता है और ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन फिजिकल क्लासेस का कभी भी सब्स्टिट्यूट बन ही नहीं सकता है, और इसके पीछे क्या है रीजन, एब्सर्ड एकदम, मतलब कि इलॉजिकल यहाँ पर इनका एजम्पशंस है। इनके एजम्पशंस क्या क्या हैं, इनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल में, अगर वहाँ पर गए कोई भी एक स्टूडेंट अगर इन्फेक्टेड रहा, उससे अगर ये लोग संक्रमित हो गए, इन्फेक्ट हो गए, तो ये घर पे आएंगे, घर वालों को फिर से संक्रमण हो जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इनका ये कहना है कि स्कूल्स जो हैं वो सुपर स्प्रेडर इवेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक कहीं भी स्टैब्लिश नहीं किया जा सका है, कहीं भी प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा नहीं गया है कि ऐसा कुछ हुआ है कभी भी किसी भी कंट्री में। स्कूल्स जो हैं वो ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बने हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो स्कूल्स जो हैं वो बहुत बाद में लास्ट ऑप्शन के तौर पे बंद किया जाता है, और वहाँ पर बस ये देखा जाता है कि थोड़ा कंट्रोल्ड वे में चले, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, थोड़ी सी उसकी आबादी जो है, भीड़ जो है कम कर लेते हैं, लेकिन स्कूल ऑल टुगेदर बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि बार बार सबसे पहले स्कूलों को ही बंद कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना काल में जो सेकेंड वेव था, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th में थे, 12th में थे, वो लोग ऐसे ही पास हो गए, एग्ज़ाम नहीं हुए उनकी। वहाँ पर क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एनुअल एनालिसिस, यही सारी चीज़ों पर उन्हें पास कर दिया गया। लेकिन अब क्या होगा कि उनकी फ्यूचर लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर जिओपार्डाइज हो रही है, हैम्पर हो रही है, उसमें दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने की बात क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ दिक्कतें क्या है। तो सबसे पहली दिक्कत ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ये है कि लर्निंग डेफिसिट हो रही, स्टूडेंट्स को जितनी चीज़ें सीखनी चाहिए, जिस तरह से सीखनी चाहिए, वो सीख नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें भी क्या है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हो जाती है स्कूल बंद होना, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लर्निंग लेवल है वो ऑनलाइन में उस लेवल का नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो यहाँ पर लैक करता है, और ह्यूमन इंट्रैक्शन जो टीचर के साथ इनका होता है उसके थ्रू जो ये लोग सीख पाते हैं वो भी इनका नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होने के कारण ये लोग बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर देखा ये गया है कि 1/3 स्टूडेंट में लर्निंग जो है डेफिसिट देखी गई है, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी इनकी जो है वो कम हुई है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने तो ऑल टुगेदर पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ाई में वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है, हाजिरी लग जा रही है, ऑल टुगेदर जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास में भी वैसा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसा इंट्रैक्शन नहीं है, और सामने टीचर नहीं है, तो उनमें एक फियर फैक्टर जो होती है, एक डर होता है ना कि टीचर डांटेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, वो खत्म हो गई है, जिसके कारण कि ऑल टुगेदर पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, डिसिप्लिन की इशू हो रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पर डिसिप्लिन में धीरे धीरे डिटोरियोरेट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, इनडिसिप्लिन बढ़ती जा रही है। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके सामने ऑल टुगेदर जो एक होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टीचर के सामने खड़े रहने का, वो खत्म होता जा रहा है, और माँ बाप जो हैं उस तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये एक दिक्कत हो जा रही है। उसके बाद स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स में, स्क्रीन एडिक्शन एक पेंडेमिक की तरह अगेन बच्चों में फैलेगा ये लग रहा है, क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, वट एवर इट इज, जो कुछ भी चाहिए वो उनके पास होता है। क्लासेस खत्म हुआ उसके बाद वो गाने सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी इन्वॉल्व है। और धीरे धीरे इस चीज़ की लत बढ़ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स में और बच्चों में होता है, बड़े लोग भी इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो स्क्रीन एडिक्ट हो जाए। और इसी के कारण यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू। स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इशू भी नजर आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, एक तो अकेलापन, लोनलीनेस, अकेले बैठे हुए हैं घर पे ऑनलाइन क्लासेस के बाद, उनका कोई मतलब 1-1.5 घंटे की क्लासेस चली, उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई गेमिंग एक्टिविटी नहीं, अपने पीयर लेवल के जो ग्रुप के, जो अपने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो जो मिलते थे वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो एक लोनलीनेस का फैक्टर आ रहा है, स्ट्रेस फैक्टर आ रहा है, स्क्रीन एडिक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ये यहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है छोटे बच्चों में, चिल्ड्रेंस में। और उसके बाद जो अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद हो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल बंद होने के कारण यहाँ पर जो मिड डे मील मिलता था इन्हें, हॉट कुक्ड फूड, ये नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण इनमें अब न्यूट्रिशन का इशू आ रहा है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। जो गरीब तबके के लोग थे या जो वो स्टूडेंट्स थे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अब उनको मिड डे मील उपलब्ध नहीं हो पा रहा है स्कूल बंद होने के कारण, उन्हें ग्रेन्स ही दे दिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर क्या हॉट कुक्ड फूड मिलता था जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की केयर की जाती थी, वो चीज़ें हो रही है, वो यहाँ पर इन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स थे, जो बीपीएल थे या जो गवर्नमेंट ले स्कूल्स में जाते थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है। तो अब उनके घर वाले क्या करते हैं, उन्हें काम पर ले जाते हैं, इनकम लेवल वैसे ही कम हो चुकी है। प्लस क्या है, यहाँ पर स्कूल में इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पढ़ने का दिल कर नहीं रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उनके पास मोबाइल नहीं है या अदर फैसिलिटीज़ नहीं है, नेट पैक नहीं रिचार्ज करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। अब ये जो गरीब तबके के लोग हैं तो ये चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ये बच्चे या तो खेतों में काम करने चले जा रहे हैं या कहीं और, मतलब जिस तरह का भी काम मिल पा रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो लर्निंग डेफिसिट के साथ यहाँ पर देखिए कि इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण भी हो रहा है। माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, लर्निंग डेफिसिट है, शोषण हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट अगर ध्यान से पॉलिसी बनाए ताकि वहाँ पर सेफ्टी इशू, सेफ्टी प्रिकॉशन को पूरा ध्यान में रखा जाए और उसके बाद स्कूलों को चालू रखा जाए। अगर आप स्कूलों को फुल कैपेसिटी पे नहीं रन कर सकते, 50% कैपेसिटी पे रन कीजिए। अभी तक तो कहीं भी ऐसा ये सिचुएशन निकल कर आया नहीं कि कोई भी स्कूल एक सुपर स्प्रेडर इवेंट में कन्वर्ट हुआ हो। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट यही चीज़ मिसप्लेस्ड, मिसजज्ड डिसीजन ले रही है, जिसके कारण कि क्या हो रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों की केयर करते हैं इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिया। अरे भाई, इलेक्शन रैली कहाँ बंद हो रही है, 5 स्टेट में भी फिर से इलेक्शन है, इलेक्शन चालू है, शादी विवाह चालू है, सब कुछ चालू, हर एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू है, बसें चल रही हैं। तो क्या एक स्कूल में ही कोरोना बैठा हुआ है वहां जाकर के बच्चे आएंगे और हम पकड़ लेंगे, तो ये क्या बात हुई। इसीलिए फ्यूचर जनरेशन की जो फ्यूचर है, फ्यूचर कैपेबिलिटीज है, उनकी लर्निंग है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मिसलीडिंग एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिखावे के लिए कि हम जनता के बारे में सोचते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस बंद कर दें और वहाँ पर ओवरऑल प्रॉब्लम हो जाए पूरी एजुकेशन सिस्टम को। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोगों की क्या सोच है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये हमें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।